राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर और आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में रावण दहन किया गया। हर बार की तरह इस बार भी जयपुर के विद्याधर नगर में 121 फीट रावण का दहन किया गया। 111 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 105 फीट ऊंचे मेघनाथ का दहन किया गया। इसके अलावा राजधानी के कई प्रमुख क्षेत्र में शहरवासी बुराई पर अच्छाई का संदेश देने वाले रावण दहन को देखा। श्री सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा महोत्सव स्थानीय आदर्श नगर के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। सभा के महामंत्री अनिल खुराना ने बताया कि इस बार रावण का विशालकाय पुतला 105 फीट का और कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट का बताया गया है। अध्यक्ष हरचरण ने बताया कि सभा के द्वारा सन 1956 से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद मंजू शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि मेयर सौम्या गुजर और कुसुम यादव, विधायक कालीचरण सराफा और विधायक रफी खान रहे। आतिशबाजी का विशेष आयोजन किया गया। आतिशबाजी में नियाग्रा फॉल के जैसा नजारा रहा। रंगीन झरने बहे। सावन भादों में जैसे आसमान से पानी की बूंदें बरसती है, ऐसे ही आतिशबाजी की छोटी छोटी बूंदें बरसी। आसमान में स्टार वार जैसा नजारा देखने को मिला। फलक से सरफिया बरसी, जमीन से सुनहरी अनार छूटे। बीच बीच में धूमकेतु जैसा नज़ारा दिखाई दिया। हवाई मछलियाँ आकाश पर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दौड़ने लगी। कहीं कहीं आसमानी ऑक्टोपस रंगीनियाँ बिखेरती नजर आई। बांस पर घूमती चक्रियाँ आकर्षण का केंद्र रही। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के अंदर, जहां हम आपको बता दें राजधानी के अभी हम आदर्श नगर इलाके के अंदर मौजूद है, जहां दशहरा मैदान के अंदर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो यहां दो रावणों को दहन किया गया है और जहां बताया गया है कि आज बुराई का अंत हो चुका है और अच्छाई की जीत हो चुकी है। इस अच्छाई की जीत के अंदर क्या कहेंगे आज रावण का अंत कर दिया गया है। आज रावण का अंत कर दिया, बुराई को खत्म कर दिया, अच्छाई की जीत हुई है, इसलिए अपन रावण का दहन करते हैं जो बुराई का अपना खत्म हो। बड़ा कारण क्या होता है कि आज जो दशहरा पर मनाया गया है उसके लिए क्यों मनाया जाता है ये पर्व? सर इसके लिए तो मैं चलिए आप बताएं क्यों मनाया जाता है ये पर्व? भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण का उस युद्ध के अंदर दहन किया, उनको मारा। और ये जो दशहरा मनाया जाता है वो ये है कि असत्य पे सत्य की जीत, जो दुष्ट हैं पापी हैं उनका नाश उन्होंने किया। और ये जो दशहरा मनाया जाता है कि हमारे अंदर जितनी भी इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं या किसी प्रकार की इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका दहन हम करें, उनका त्याग हम करें और समाज में सत्य को स्थापित करें, इस प्रकार का संदेश ये दशहरा देता है हमें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे दशहरे को? दशहरे के अवसर पर सभी, पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध करके ये साबित किया था कि असत्य पे सत्य की जीत कैसे होती है और इंसान को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी श्री राम के जो विचार हो तो उनको अपनाइए और भारतीय धर्म को जानिए और पहचानिए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो आज भीड़ जुटी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से भी, और बताया जा रहा है कि आज रावण का वध कर दिया गया है और श्री राम की जीत हो चुकी है और श्री रावण का वध कर दिया गया है। आज जो ये आदर्श नगर का जो मैदान है, इस मैदान दशहरा मैदान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएँ और बच्चे और पुरुष यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं वो इस खेल का भी आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं झूले झाले आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएं वो झूला झूलती हुई नज़र आ रही है। सहयोगी प्रसन्न कैमरामैन के साथ सत्ताम हुसैन, रॉयल पत्रिका जयपुर।